आपको भरोसा है कि अंजू वापस लौटेगी पाकिस्तान? बिल्कुल जरूर। तो वो आप तो आपकी बीवी हैं और आपने अपनी बीवी को जब इंडिया भेजा तो क्या उन्होंने आपसे नहीं कहा कि आप भी चलिए? आपने चलने के बारे में कुछ सोचा कि आप भी इंडिया आ जाते उनके साथ में? वो मुझे 2 महीने बाद स्पॉन्सर करेगी, 2 महीने या 3 महीने बाद, जब वो अपने अपने मसले मसाइल क्लियर करेगी तो उसके बाद वो मुझे स्पॉन्सर करेगी, तो मैं प्रॉपर तरीके से आऊंगा। ऐसे ऐसे नहीं कि मैं बॉर्डर क्रॉस करके आ जाऊंगा। अच्छा जी। तो ये आप लोगों के बीच में तय हो चुका है कि अंजू पहले अपने मसले वहां पर सॉल्व करेंगी, उसके बाद आपको स्पॉन्सर करेंगी और फिर आप इंडिया आएंगे, ऐसा? बिल्कुल जरूर आऊंगा इंडिया जी। मसलो साहब, एक चीज जरा समझाइएगा कि अंजू अभी इंडिया के सिटीजन है, उन्होंने पाकिस्तान की सिटीजनशिप ली नहीं है, उनके जो इंडिया में हस्बैंड है उनके साथ उनका तलाक भी नहीं हुआ है और उनके दोनों बच्चे जो हैं वो भी इंडियन सिटीजन है, तो ऐसे में अंजू बच्चों की जो कस्टडी लेंगी वो कैसे ले सकती हैं? क्या आप लोगों ने के बीच क्या कोई बात हुई? तो यही तो मसले है उसके कि अपने हस्बैंड से मसला चल रहा है, वो भी क्लियर करेगी कोर्ट के थ्रू, और जो चाइल्ड प्रोटेक्शन केस है वो भी करेगी अपने लिए, फैमिली के कुछ मसले मसाइल है वो भी क्लियर करेगी। और दूसरा ये कि पाकिस्तानी सिटीजनशिप, ये हर एक कंट्री की रूल्स रेगुलेशन है कि जब तक आप किसी कंट्री में 5 साल ना गुजारे तब तक आपको ऐसी सिटीजनशिप नहीं मिलती। इतनी आसानी से कैसे मिल सकते किसी कंट्री सिटीजनशिप हो जी। तो उनका ये है कि अब वो इंडिया जब आई है तो आपने उनको क्या मदद की? क्या आप उनको छोड़ने के लिए आए थे बॉर्डर तक? बिल्कुल, हमने बॉर्डर, मैं बॉर्डर के अंदर तक गया था उसके पास, और जैसे सेव करने और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, जो जो डिपार्टमेंट है उससे गुजर के सारे मसले क्लियर कर दिए बॉर्डर पे मैंने उसके लिए। अच्छा, एक चीज बताइएगा कि क्या वहां पाकिस्तान की अथॉरिटीज ने भी उनसे पूछताछ की थी कि आप इंडिया क्यों जा रही हैं? क्योंकि यहां तो उनसे पूछताछ हुई। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखो, जब कोई लीगल तरीके से यहाँ आता है तो उससे भला उससे पूछताछ क्यों करेंगे भाई? उसने अपने उसने वीजा लिया, जब कोई बंदा वीजा लेता है तो उससे पूछताछ नहीं होती फिर। जी। और आप लोगों का निकाह नामा तो सामने आ चुका था, आप लोगों ने शादी की, उसके बाद अंजू ने क्या आपसे कहा? क्या वो बच्चों को लेकर जो परेशान है तो वो क्या कुछ आपसे कहती रही इन 5 महीनों के दौरान? तो उसका आधा दिल इधर था और आधा दिल हिंदुस्तान में, क्योंकि आपको आपको भी पता है जब आपके बच्चे हों तो आप उसके बगैर नहीं रह सकते, ये तो आपको भी मालूम है। ठीक बात है, लेकिन क्या आप अंजू के बच्चों को स्वीकार करने के लिए, अपने साथ रखने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल क्यों नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बच्चे भी रखेंगे सारे, जितना जिसका खर्चा उठाना, उसके लिए आगे फ्यूचर का प्लान बनाना, वो सब हम करेंगे। क्या अंजू की कभी बात हुई इस दौरान वहां पे अपने बच्चों से आपके साथ रहते हुए? बिल्कुल, रोजाना उनसे बात होती रही, अपने बच्चों से, अपनी मामा से। तो क्या बच्चे तैयार हैं इस चीज के लिए? आपसे भी बात हुई बच्चों की? देखो, एक तो उसका छोटा बेटा है 4 साल का, वो तो समझदार नहीं है ना समझ है, और बड़ी बेटी है तो वो उसकी मर्जी है, आना चाहती है नहीं आना चाहती है। Z News.